हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बीच शनिवार तड़के 8 मिनट के भीतर भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला की धूलेधार पहाड़ियों के पास रहा। भूकंप के झटके चंबा जिला के सीमावर्ती गांव में भी महसूस किए गए। 2 बार भूकंप के झटके से लोग सहम गए और कांगड़ा और चंबा जिला के निवासियों में 118 साल पहले आए विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा हो गई। मौसम विभाग केंद्र शिमला द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का पहला झटका सुबह 5:10 पर महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र धर्मशाला की धौलधारा की पहाड़ियों के नीचे कांगड़ा और चंबा के जिला सीमावर्ती क्षेत्र आरएफ अंदराला ग्रीन में जमीन के तहत 0.5 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 2.8 मापी गई। इसके कुछ मिनट बाद 5:17 पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता पहले भूकंप से ज्यादा 3.2 रही। हालांकि राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के निर्देशक सुदेश मोक्टा ने बताया कि भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से कहीं पर भी कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ।